फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे सफ़र की शुरुआत हो रही है। हम नॉर्थ ईस्ट के गिबोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दरवाजे तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हमारे सफ़र की शुरुआत होती है। दिल थाम कर बैठिए, आज हम आपको कुछ नया दिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूँ विशाल उमरिया और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं कुछ नया दिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। पहले ब्लॉग में तो ऐसे जान पहचान जरूरी है, तो सीधी बात नो बकवास, जान पहचान के साथ साथ मैं कुछ ऐसा एडवेंचरस चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर आपके अंदर भी रोमांच आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ले चलूं, वहाँ क्या क्या है वो दिखाने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, क्योंकि पहले जान पहचान जरूरी है। फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब पे नया हूँ, आप तो मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे जान पहचान हो जाएगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल मौर्या है, मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ और मैं प्रोफेशन से एक लोको पायलट हूँ, जिसका मतलब होता है ट्रेन चालक। मैं ट्रेन चलाता हूँ और खाली समय में मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता हूँ, वीडियोग्राफी वगैरह करता हूँ। फिर एक मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना ब्लॉग बना के डाला जाए, जो इतनी अच्छी अच्छी जगहों पे मैं घूमने जाता हूँ तो आपके बीच में उसको शेयर करूँ, मेरे साथ साथ उस जगहों को आपको भी देखने का मौका मिले। और मेरे साथ में इस समय है बिहार गया के रहने वाले सुमित कुमार, जो प्रोफेशन से एक रेलवे गार्ड है और उनका भी सेम शौक है मेरे तरह घूमना फिरना, जंगल झाड़ पहाड़ जहाँ जगह मिले घूमने का वहाँ हम दोनों भाई घूमने चले जाते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो शूट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग चैनल का नाम है विशाल ऑन द वे और इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपका ये भाई जो है बहुत जान पे खेल करके ऐसी जगह पे आकर वीडियो बनाने जा रहा है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पैदल है, यहाँ गाड़ी उड़ी से नहीं आते हैं लोग, पैदल आते हैं और फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के यहाँ पे घूमने अलाउ है। अभी हम लोग जाके गार्ड से बात करेंगे। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, तेंदुआ है, जहरीले कई प्रकार के सांप हैं, रंग बिरंगे मंकी है, खास करके गिबोन मंकी जो यहाँ का फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, यहाँ पूरे देश विदेश से लोग गिबोन मंकी को देखने आते हैं, जो कि आदमी की तरह अपने फैमिली में रहता है, जिसमें बीवी बच्चे साथ में एक पेड़ पे रहते हैं, उसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा फ्रेंड्स। और साथ में तेंदुआ है, हाथी है, सियार है, कई प्रकार के जानवर हैं जिनका अगर सामना अचानक से हो जाए तो खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में कुछ एडवेंचर दिखाने की कोशिश करता हूँ। खतरों पे खेल करके मैं सुमित जा रहे हैं, प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहे और स्किप मत करें, थैंक यू। हम लोग गिबोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या नया कुछ मिलने वाला है। चलिए, फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने साथ में ये टूरिस्ट गाइड साहब को ले लिया है, क्योंकि इस घने जंगल में अकेले घूमना खतरों से खाली नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हाथी को खाने के लिए वन विभाग द्वारा चावल और नमक को रखा गया है, रात में हाथी आकर के खाना खाते हैं। फ्रेंड्स, अभी लेपर्ड यहाँ निकला था लेकिन हम लोग शूट नहीं कर पाए, इधर जंगल में भी घुस गया।
कितना बड़ा था, कितना बड़ा, कितना बड़ा? अच्छा, ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता है, बड़ी बड़ी मधुमक्खियां हैं, अगर पीछे पड़ जाए तो आदमी का बचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ये फोटो लेने के लिए भाई ज्यादा आया था ना। हाँ। क्या करेगा फ्रेंड्स, मौसम आज हमारे साथ नहीं है, यहाँ जोर की बारिश शुरू हो गई है, लगता है कि आज गिबोन देखने का सपना हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हाथी का गोबर है, ये देखिए फ्रेंड्स, आखिर हम भटकते भटकते जंगल के बीचों बीच रेलवे ट्रैक के पास में आ गए हैं, लेकिन अभी तक हमें गिबोन नहीं मिला देखने को। हमारा कैमरा भी पूरी तरह पानी में भीग चुका है, हम तो भींगे ही ठंडे के दिन में। हाँ ठीक है, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, दोनों तरफ जंगल, बीच में रेलवे ट्रैक। ये देखिए रेलवे ट्रैक के बीचों बीच हाथी का मल। हम लोग अब तक करीब 12 किलोमीटर जो है चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है, कोई भी जंगली जानवर हमें अभी तक दिखा नहीं है। एक लेपर्ड दिखा था, लेकिन वो हमारे शूट करने से पहले भाग गया। 5 सेकेंड में सब कुछ हुआ, हम लोग लेपर्ड का वीडियो शूट नहीं कर पाए। सॉरी फ्रेंड्स, आज हम लोगों को निराशा हाथ लगी, करीब 12 से 13 किलोमीटर घूमने के बाद भी हमें आज खराब मौसम के कारण गिबोन मंकी दिखा नहीं। मिलते हैं फिर अगली बार, कोशिश करेंगे शायद आपको मैं गिबोन दिखा पाऊँ। नमस्कार।